तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी के बारे में। तो डीसी वो स्टूडियो है जो फैंस को हमेशा गर्म करके ठंडाई छोड़ देता है। डीसी खुद को इतनी बार रिसेट कर चुका है कि जितनी बार मोबाइल को रिसेट नहीं किया जाता उतनी बार रिसेट कर चुका है। तो आओ यार शुरू से बात करते हैं डीसी में क्या फसल मच रही है। तो सबसे पहले जेम्स गन डीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो हमें सबसे पहले ब्लैक एडम मूवी में सुपरमैन के कैमियो दिखाए जाते हैं और ये उम्मीद दिया जाता है कि हेनरी केविल मैन ऑफ स्टील 2 में रिटर्न्स करने वाले हैं। तभी जेम्स गन आते हैं और बोलते हैं कि सब कैंसिल, सुपरमैन नहीं बनेंगी, हेनरी केविल अब सुपरमैन नहीं रहे, वो शुरू से स्टार्ट करेंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने ब्लैक एडम मूवी को भी कैंसिल कर दिया। फिर इतना में ही उनका मन नहीं भरा के बाद वंडर वुमन 3 और फिर इसके बाद बैटमैन के कैमियो भी कैंसिल कर दिए, जो कि हमें एक्वामैन 2 और दी फ्लैश मूवी में दिखने वाली थी। यहाँ तक कि अभी भी सबकी जान हलक में है कि एक्वामैन 2 भी कैंसिल ना हो जाए और जेम्स गन एक्वामैन के एक्टर को किसी और मूवी में कास्ट करने वाले हैं, इसलिए एक्वामैन 2 मूवी के बाद भी उसकी कोई पार्ट नहीं बनेगी। और फिर तुम तो जानते ही हो कि फ्लैश मूवी के इज़रा मिलर ने क्या क्या कांड किए, इसलिए फ्लैश मूवी भी फिर से बनेगी। तो ओवरऑल बात करूं तो अब डीसी शून्य से स्टार्ट करेगा। क्या डीसी अब एक अच्छा स्टूडियो बन पाएगा या फिर से वो सालों बाद अपने आप को रिसेट करेगा।